अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खरीद से होंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए टिकटॉक का ट्रेंडिंग स्टेटस लेके आ चुका हूँ, जो कि आप सिंपल स्क्रीन में देख चुके हैं। तो अगर आप इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में इसका मुकम्मल ट्यूटोरियल दूंगा। तो वक्त जाए के बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड, ये टिकटॉक की एक आईडी है मिक्स स्टेटस। उस तरह का स्टेटस बना रहे थे, एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, तो उसने ये दो तीन स्टेटस भेजे। तो उसने बोला यार, इस तरह का स्टेटस कैसे बनाते हैं आप, इस स्टेटस का XML बना के दो ताकि मैं भी जो है वो स्टेटस बना सकूँ इस तरह का। तो फाइनली आज की वीडियो में इसका मुकम्मल ट्यूटोरियल बताऊंगा। तो अगर आप किसी स्टेटस का ट्यूटोरियल चाहते हैं या कोई सी मटेरियल चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर दिखाएं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टेटस को बनाने के लिए हम लाइट मशीन ऐप को यूज़ करेंगे। तो आपने लाइट मशीन ऐप को ओपन कर लेना है। लाइट मशीन ऐप को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, तो आपने प्लस पे टैप करके और 4.5 रेशो सेट करके आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर लेना है। इतना करने के बाद आपने प्लस पे टैप करके मीडिया में आके और आपने अपने हिसाब से कोई सी बैकग्राउंड वीडियो ले लेनी, जिस वीडियो पर आप जो है वो स्टेटस बनाना चाहते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है कि आपने जो है वो चेक कर लेना है, अगर आपकी वीडियो और सॉन्ग अलग अलग है तो आपने अपने सॉन्ग को ऐड कर लेना है। आप पोट्री को बनाना चाहें, पंजाबी सॉन्ग को बनाना चाहें, आपने अपने हिसाब से चेक कर लेना है। क्योंकि मेरे पास जो है पंजाबी पोट्री है एक, तो मैं उस पर बनाऊंगा। तो उसके लिए प्लस पे टैप करके तो आप ऑडियो से भी लगा सकते हैं वीडियो, और वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास वीडियो की जरूरत, मैं वीडियो से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अपनी जो सॉन्ग को स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, प्लस पे टैप करके मीडिया में आके और फ्रेंड ये बार्डर है, बार्डर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। स्टेटस के लिए जो मटेरियल यूज़ होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने करना है डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने ब्लेंडिंग एंड ऑफसेटिंग में आके लाइटिंग में आके आपने इसको स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद जहाँ तक आपका स्टेटस है आपने इसको बढ़ा के वहाँ तक कर लेना है। आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा। उसके बाद फ्रेंड वो जो आईडी वाला है वो सिर्फ नीचे एवी प्लेयर टेम्पलेट यूज़ कर रहा है। तो आगे मैंने कई वीडियो बनाई हैं जिस वीडियो में मैंने मुख्तलिफ एवी प्लेयर दिए हैं, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा जो से आपको एवी प्लेयर आप यूज़ करना चाहते हैं आपने वो ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये एवी प्लेयर है, ये मैंने खुद बनाया था। तो इसको आपने क्या करना है कि आपने कोई भी एवी प्लेयर डाउनलोड कर लेना है। मैंने चैनल पर 3-4 वीडियो बनाई थी, उसमें मुख्तलिफ मैंने एवी प्लेयर दिए थे, पैक पूरा था। आपने वो चेक कर लेने हैं और जो आपको बेस्ट लगे, आपने वो पूरा मुकम्मल पैक है फुल HD में, आपने वो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने ब्लेंडिंग सोसाइटी में आके लैटिन में आके इसको स्क्रीन कर लेना है। फ्रेंड आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, जैसा आपको बेस्ट लगे आपने वो ऐड करना है। मेरे पास ये पड़ा हुआ था, मैंने खुद के लिए बनाया था, तो इसको जो है वो इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से होगा, जहाँ तक आपकी वीडियो है आपका जो है आप वीडियो रखना चाहते हैं, बाकी जैसा आपने इसका जो है वो ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद अगर इसको सॉन्ग लगा हुआ है तो आपने इसको ऑफ कर लेना है। इतना हमारा काम कंप्लीट होगा। फ्रेंड अगर आप इसके नीचे शेडो लगाना चाहते हैं, ब्लैक शेडो, तो आप वो लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है फ्रेंड उस आईडी वाली ने ऊपर लेबल टेक्स्ट PNG लगाई हुई है, तो वो इस पर पहले मैं वीडियो बनाई है, कई वीडियो मैंने जो है वो बताया, वो आप खुद कैसे बना सकते हैं। मुख्तलिफ पैक भी दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, जो आपको बेस्ट लगे आपने वो ऐड कर लेनी है। तो मैं जल्दी से अपनी जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि मेरे पास ये लेबल टेक्स्ट PNG ये मैंने खुद क्रिएट की है, इस पर पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि आप इस तरह के जो है वो PNG कैसे जो है वो खुद बना सकते हैं। आपने कुछ इस तरह से इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जहाँ तक आपका स्टेटस है आपने इसको उधर तक बढ़ा लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड स्टेटस को मैं XML बनाया हुआ है, टेक्स्ट एनिमेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड आप देखते हैं मिक्स स्टेटस टिकटॉक XML, तो इस पर दो इफेक्ट वो यूज़ कर रहा था जो उसने लेटेस्ट वीडियो में यूज़ किए थे, मैंने दोनों आपको जो है वो बना के दे दिए हैं। XML का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। ये आप देख सकते हैं एक इधर आके और कुछ इस तरह से होकर इधर मूव हो रहा है, और दूसरा जो है वो क्या है कि एक साइड से आ रहा है और ये जूम आउट हो गया है। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, जोन साहब को बस सके आपने क्या करना है, प्लस टेम्परेचर पर टैप करके और कॉपी लेयर कर लेना है। कॉपी लेयर करने के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है। अपने प्रोजेक्ट में आने के बाद जहाँ पे आपका जो है वो सॉन्ग शुरू हो रहा है, बिल्कुल जो मेरी पोट्री है वो कुछ इधर से शुरू हो रही है और इधर इधर तक है, तो यहाँ पे बीट मार्क लगा लेते हैं। बीट मार्क लगाने के बाद आपने क्या करना है कि बीट मार्क पे आपके प्लस डबल आइकन पे टाइप करके और पेस्ट लेयर कर लेना है। पेस्ट लेयर करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से होगा, तो आपने कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा जिधर आप इसको रखना चाहते हैं। आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से आपके पास शो हो गया आएगा और कुछ इस तरह से
यहाँ पे आके आपने क्लॉक अगर टैप करके उसको ट्रिम कर लेना है और यहाँ से ये मूव हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये मूव हो गया। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और आपका स्टेटस जो है वो रेडी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने एडिट टेक्स्ट पे टैप करके और ये जो लिखा होगा मिठी एडिट्स को सब्सक्राइब करें, आपने इसको जो है रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपका जो लिरिक्स है आपने वो लिख लेना है, जैसे कि मेरा जो लिरिक्स है मैंने कॉपी किए हुए हैं कुछ इस तरह से, इसमें लिख लेता हूँ। और ये जो फॉन्ट यूज़ हुआ हुआ है ये अर्फी नस्टैलिक फ्लावर है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है और अपने लाइट मोशन में आपने ऐड कर लेना है, उसके बाद ओके कर लेना है। और फ्रेंड आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो अर्फी नस्टैलिक फॉन्ट है ये आपने इसका साइज़ फुल इंक्रीज़ करना है। अगर आप इसका साइज़ कम रखेंगे तो आपके पास शो नहीं होगा, जैसे आप इसका फुल साइज़ रखेंगे यानी कि ये काम करेगा 96 पे ये काम करेगा। तो आपने क्या करना है इसको 96 पे रख के, अगर आपका बहुत बड़ा आ रहा है तो आपने मूवमेंट असर में आके स्केल में आके और इसका स्केल आपने कुछ इस तरह से अपने यानी कि उसके हिसाब से जैसे आपका जो लिरिक्स आ रहा है आपने उस हिसाब से जो है इसका साइज रख लेना है जैसे आपको बेस्ट लगे। उसके बाद आपने क्या करना है इसको सेट करके प्लस डबल आइकन पर टैप करके कॉपी लेयर कर लेना। कॉपी लेयर करने के बाद आपने कुछ इस तरह से आगे आके पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद जहाँ तक आपका लिरिक्स है बिलफर जहाँ तक है तो आपने इसको कुछ इस तरह से बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपने इसको एडिट करके और इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद आपका आगे वाला जो लिरिक्स है आपने वो लिख लेना है। लिखने के बाद फ्रेंड आपने क्या करना है कि आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है इफेक्ट में आके, और ये जो बोन के मैंने तीन इस पर इफेक्ट लगाए हुए हैं अपनी मर्ज़ी से लगाए हुए हैं, इसमें मुख्तलिफ कलर है, आप जो बेस्ट लगे आपको। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं आपको, आपने क्या करना है कि आपने ये कलर में आके और इसको जो कलर आप देना चाहते हैं वो आप देंगे, देख सकते हैं आप हमारे कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गए हैं। इस तरह आप अपने हिसाब से जो सा आप कलर आपको बेस्ट लगे आपने वो कलर दे लेना है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास कलर चेंज हो चुका है। इस तरह आपने क्या करना है कि दूसरे को सेलेक्ट कर लेना है और इसमें भी अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है इसका कलर जो है वो जो सा आपको रखना चाहें आपको बेस्ट लगे आपने वो कलर यहाँ पे लगा लेना। वो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वाइट वाला मुख्तलिफ कलर यूज़ कर रहा था इसलिए आप भी अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा जो से आपको कलर बेस्ट लगे आपने वो क्या करना है कि कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी से लगा लेने हैं। उसके बाद जस्ट आपने फ्रेंड कॉपी पेस्ट करना है और अपना स्टेटस तैयार है। आपके सामने मैंने दो लेयर लिखी हैं, इस XML का लिंक और तमाम मटेरियल जिसमें यूज़ हुआ हुआ है तमाम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपने वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद अपने XML को अपने राइट मशीन में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद फ्रेंड आपने क्या करना है कि जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है और अपना स्टेटस आपने रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कुछ भी अच्छा लगा कुछ भी बुरा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर दफा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक अपने और अपने चैनल वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।